हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से कौन सा पेज नंबर है ये देखो। इससे पहले हम पेज नंबर 41 तक जो है वो पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 42 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो आपकी चौथी कक्षा की क्लास का है। क्या है? टिक टिक टिक। ठीक है, तो ये जो है, ये जो आपका लेसन है टिक टिक, तो इसको पढ़ते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। रानी की डायरी। अब रानी की एक डायरी है, रानी ने भी एक डायरी बना रखी है। देखते हैं क्या है डायरी में। आओ मेरी छोटी बहन को देखने चले। तो रानी इनसे अपने दोस्तों से कह रही है, चलो भाई मेरी छोटी बहन को देखने चलो, चलते हैं। माँ, मैं मुनिया के लिए मिठाई लाई हूँ, पर वह नहीं खा सकती, वह अभी बहुत छोटी है, माँ कहती है। ठीक है, और वह बोलती भी नहीं है। जैसे जैसे वह बड़ी होगी, धीरे धीरे ये सब करने लगेगी, माँ कहती है। ये देखो, ये रही मुनिया, ये रही मुनिया की छोटी सी बहन, और ये सारे दोस्त उसको देख रहे हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं अपनी डायरी में मैं लिखूंगी कि कब उसने बोलना, खाना व चलना शुरू किया। यहाँ रानी की डायरी के पन्ने हैं। ठीक है, तो ये है रानी के डायरी के पन्ने। 5 मार्च 2005 मुनिया आज पैदा हुई। ठीक है, तो उसने डायरी बनाई है कि 5 मार्च को जो मुनिया है वो उसका बर्थडे है, उस दिन वो पैदा हुई है। और 15 सितंबर मुनिया का पहला दांत निकला। ठीक है, अब मार्च से लेके सितंबर तक गिनो जरा, कितने महीने बाद दांत निकला? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 6 महीने में उसका दांत निकला। ठीक है, फिर है सितंबर के बाद नवंबर। ठीक है, मुनिया ने बैठना सीखा। अब देखो मार्च से काउंट करो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने की मुनिया जो है वो बैठना सीख गई। और 20 नवंबर को 9 महीने में क्या करा मुनिया की ने? घुटनों के बल चलना शुरू किया। मतलब चलना भी सीख लिया मुनिया ने 9 महीने में, और बैठना भी सीख लिया। और 5 जनवरी मुनिया पैरों पर खड़ी हो गई। अब मार्च से लेके जनवरी तक कितने महीने हुए? देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। मतलब 11वें महीने में मुनिया जो है वो अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। फिर है सितंबर, लेकिन कब का है? 2006 का, और ये वाला सितंबर था 2005 का। ठीक है, और ये फरवरी है 2006 की। सितंबर में क्या हुआ? मुनिया ने एक केला खाया। तो मार्च से लेकर सितंबर तक कितने महीने हो गए? एक बार सितंबर तो ये आ गया, फिर दोबारा सितंबर आया। तो चलो भाई गिनते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 15 महीने पहले हो गए और 4 ये हो गए, मतलब 19 महीनों में जो है 19 महीने की हो गई है मुनिया, और उसने केला खाया। फिर मुनिया ने चलना शुरू किया। ठीक है, तो चलो फिर अब देखते हैं क्या हुआ। मुनिया की समय रेखा में इन्हें सही क्रम में लिखो। ठीक है, सही क्रम में लिखना है। मुनिया का पहला दांत सितंबर में निकला, तब वह कितने महीने की थी? मार्च से सितंबर तक कितने महीने बीत गए? तो देखो, मार्च से सितंबर तक कितने महीने बीत गए? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने बीत गए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 6 महीने। कितने? 6 महीने। ठीक, अगला, मुनिया कितनी बड़ी थी जब वह बैठी? ठीक है, और उसका पहला दांत निकला। तो भाई जब मुनिया बैठी तब यहाँ पर कितने महीने की थी, और पहला दांत निकला तब कितने महीने की थी? तो मार्च से गिनो जरा। ठीक है, तो 6 महीने की थी जब, क्योंकि हमने अभी ऊपर लिखा ना, यहाँ पर 6 महीने बीत चुके थे। तो वो उसने बैठना शुरू कब किया था? सितंबर में किया था। ठीक है, अब उसका दांत कब निकला था? दांत निकला था नवंबर में। तो 7 महीने की थी मुनिया। कितने महीने की थी?
सात महीने की थी और यहाँ पर ये छः छः महीने की थी। उसने पहले क्या किया, चलना या केला खाना? तो सबसे पहले उसने क्या किया था, देखो केला खाया था, ये देखो ठीक है, सितंबर में केला खाया था और फरवरी में उसने चलना शुरू करा था। तो फरवरी तो बाद में आता है और सितंबर पहले आता है, ठीक है, सितंबर पहले आता है या फरवरी बाद में आता है बताओ ज़रा, ठीक है। देखो दोनों एक ही ईयर के हैं, ध्यान से देखो 2006 और ये 2006, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आता है फरवरी, उसके बाद आएगा सितंबर, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले उसने चलना शुरू किया था, ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे ना आप, चलिए तो पहले उसने चलना शुरू किया था फरवरी में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चलना इस तरीके से, ठीक, घुटनों के बल चलना या खड़े होना, तो ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। घुटनों के बल तो जो मुनिया है वो 2005 में नवंबर में ही चल पड़ी थी, ठीक है, घुटनों के बल चलना। अब मुनिया 19 महीने की हो चुकी थी तो मुनिया ने अब चलना शुरू कर दिया था, तो उसने क्या करा था, चलना शुरू कर दिया था, खड़े होकर चलना, खड़े होकर चलना, ठीक है। अब देखो आगे, रानी के यहाँ एक लाडला पिल्ला था, दो सप्ताह के बाद उसने आंखें खोली, रानी ने पिल्ले को इस प्रकार बढ़ते हुए देखा, तीन सप्ताह में उसने खाने के दांत निकले, तीन सप्ताह में यानी तीन हफ्ते का जब वो हो गया, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, सात दिन, ठीक है, तो सात या 21 दिन का जो था तब उसने क्या करा, उसके दांत निकले, ठीक। आगे देखो, चार सप्ताह बाद उसने आसपास चलना शुरू किया पैर डगमगाते हुए, तो चार सत्ते 28, मतलब क्या हुआ, 21 दिन में तो उसने क्या शुरू किया था, देखो यहाँ अभी हम देखेंगे, 21 दिन में उसके खाने के दांत निकले थे, तीन सप्ताह बराबर 21 दिन, ठीक है, तो खाने के दांत निकले उसके, ठीक। अगला देखो, चार सप्ताह बाद उसने आसपास चलना शुरू किया, मतलब 28 दिन, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सात होते हैं ना, तो सात से जब चार को गुणा करेंगे तो आएगा 28 दिन, ठीक है, तो उसने क्या करा, 28 दिन में चलना शुरू किया था, ठीक। अगला देखो, सात महीने में उसने क्या किया, उसके सारे दांत आ चुके थे, सात महीने, तो सात महीने का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक है, तो सात या 21, 210 दिन, और एक दो दिन मतलब जैसे 31 का पड़ गया महीना या 30 का पड़ गया तो वो लगभग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, एक साल बाद वह पूरी कुतिया थी और उसके अपने पिल्ले थे, मतलब एक साल बाद वो क्या थी, पूरी कुतिया बन गई, और सात महीने में क्या हुआ था, उसके सारे दांत आ चुके थे, ठीक है। अब देखो, अब अपनी कॉपी में कुतिया के जीवन की समय रेखा बनाओ, मुनिया और रानी के पिल्ले के बारे में नीचे लिखी गई बातों की तुलना करो। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक उसमें चार्ट बनाना है, किसमें, अपनी कॉपी में, ठीक है। चलना शुरू किया, पहली बार खाना खाया, शुरुआती दांत लिख ले मुनिया ने और पिल्ले ने, फिर आपको लिखना है, ठीक है। तो चलना शुरू कब किया था, देखो चलना शुरू किया था उसने 11वें महीने में, किसने, मुनिया ने, तो यहाँ लिखेंगे 11वें महीने में, ठीक। और जो पिल्ला था उसने कब चलना शुरू किया था, 28, मतलब यहाँ पर हम महीने नहीं लिखेंगे, आयु लिखेंगे, कितनी आयु की थी मुनिया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, जो पिल्ले ने कब चलना शुरू किया था, चार सप्ताह में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पिल्ले की आयु कितनी हो गई थी, तो चार सप्ताह का मतलब कितना हो गया, 728 दिन का हो गया था पिल्ला, कितने दिन का, 28 दिन का, तो यहाँ लिखेंगे हम 28 दिन, ठीक। और मुनिया कितने दिन की हो चुकी थी, वो हम कहाँ देखेंगे, जहाँ पर, कब का है ये कैलेंडर, कब का पूछ रहा है, चलना शुरू कब किया था मुनिया ने, तो यहाँ देखेंगे मुनिया ने कब चलना शुरू किया था, मुनिया ने चलना शुरू किया था यहाँ पर
फरवरी 2006 में, ठीक है। तो 2005 मार्च से चलना शुरू, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 12वें महीने में या 11वें महीने में जो है मुनिया ने चलना शुरू किया था। सही था, 11वें महीने में, ठीक है। और पहली बार खाना कब खाया था मुनिया ने? तो मुनिया ने पहली बार खाना खाया था जब वो 18 महीने की थी, 5 सितंबर को। कब खाया था? 5 सितंबर को, ठीक है। इतना तो आपको पता है ना, मतलब 18 महीने की थी मुनिया, ठीक। ये तो हो गया मुनिया वाला। अब देखते हैं पिल्ले, पिल्ले की आयु कितनी थी? पिल्ले की आयु थी जब उसके दांत निकले थे, जब उसने पहली बार कब खाना खाया होगा, जब उसके दांत निकले होंगे तो वो था 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने का। उसके बाद है शुरुआती जब दांत निकले थे, ये यहाँ तक ये 6 महीने पे भी लाइन लग गई है, ऐसे लिखेंगे 6 महीने, ठीक है। अगला है शुरुआती दांत कब निकले थे मुनिया के और पिल्ले के। तो भाई सबसे पहले मुनिया के देखते हैं, मुनिया का जब दांत निकला होगा पहला, तो मुनिया ने खाना खाया और मुनिया का पहला दांत निकला था सितंबर में। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 से 7 महीने की थी मुनिया जब उसका दांत निकला था। तो यहाँ लिखेंगे 7 महीने की या 6 महीने की, ठीक है, 6 महीने लिख लेना आप, 6 महीने की थी मुनिया, ठीक है। और पिल्ला जो था उसका दांत कब निकला था, ठीक है, 3 सप्ताह का था वो। कितने का था? 3 सप्ताह का, मतलब 21 दिन का था, 7 या 21 दिन का, ठीक। ये हो गया। पता करो क्या सभी जंतु एक बराबर तेजी से बड़े होते हैं? उनके बढ़ते जाने के बारे में बातचीत करो। मुर्गी, गाय, चिड़िया, क्या ये सभी जानवर एक साथ बढ़ते हैं बच्चों? नहीं बच्चों, सबकी अपनी अलग अलग प्रक्रिया है बड़े होने की, ठीक है। एक नन्हे जंतु और बड़े हुए जंतु का चित्र बनाओ। यहाँ पर चित्र खिंचवाने के लिए तैयार दादाजी के चित्र हैं। तुम्हें कौन से ज़्यादा बूढ़ा दिखता है? तो यहाँ देखो कौन से दादाजी जो हैं वो सबसे ज़्यादा बूढ़े हैं। एक तो हैं अप्पू हाथी के दादाजी, इनकी उम्र कितनी है? 95 वर्ष। और ये हैं चूचू के दादाजी, चूचू चूहे के दादाजी हैं ये, और इनकी उम्र कितनी है? 2 वर्ष। ये हैं रानी के दादाजी, इनकी उम्र कितनी है? 70 वर्ष की है इनकी उम्र, ठीक है। तो अब ये बताओ कि कौन से सबसे ज़्यादा बड़े हैं। तो इसमें अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ, अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? तो अप्पू के दादाजी कितने हैं? 95 वर्ष के हैं, और रानी के दादाजी हैं 70 वर्ष के। तो 95 में से 70 को घटा दो, ठीक है, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 2, 25 वर्ष। तो अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? 25 वर्ष बड़े हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्या चूचू के दादाजी कभी अप्पू के दादाजी जितने बड़े होंगे? नहीं होंगे। चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से कितने छोटे हैं? अब देखो चूचू के दादाजी तो हैं 2 वर्ष के, और रानी के दादाजी हैं कितने? 70 वर्ष के। सो 70 में से 2 माइनस करो तो 7 में से हासिल ली 10, यहाँ बच गए 6, ये हो गए 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8, और ये 6, 68 वर्ष। कितने छोटे हैं? 68 वर्ष, ठीक। अब आगे देखो, छुट्टियों में मौज मस्ती। आतिफ की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, वह बहुत खुश है। उसने छुट्टियों के लिए कुछ मज़ेदार योजनाएं बनाई हैं। आप भी प्लानिंग करते हो ना जब आपकी छुट्टियाँ पड़ती हैं? इसी तरीके से आतिफ की छुट्टियाँ पड़ी हैं और उसने प्लानिंग की है, जिन्हें वह अपनी चचेरी बहन शबाना को बताना चाहता है, इसलिए उसने शबाना को एक पत्र लिखा। देखो ये लिखा है पत्र, प्यारी शबाना आपा, आदाब, अजमेर से लिख रहा है, 1/5/6 को लिखा है, आप कैसी हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ आपा, आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, स्कूल अब 30/6/6 को खुलेंगे, मैं 5/5/6 को नानी के घर जा रहा हूँ, मैं 20/5/6 को वापस आऊँगा, आपके स्कूल कब बंद होंगे? आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम मिलकर खूब मौज करेंगे, खुदा हाफिज़ आतिफ।
आतिफ ने पत्र लिखा है अपनी बहन किसको, शबाना को। शबाना को जो नागपुर में रहती है, यह पत्र 6/5/6 को मिला। उसने आतिफ को जवाब भेजा। क्या जवाब भेजा? प्यारे आतिफ, ये देखो नागपुर में मिला पत्र 7/5/6 को। प्यारे आतिफ सलाम, मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला, छुट्टियाँ मुबारक। मेरा स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा। मैं स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूँ और 7/6/6 को वापस आऊँगी। उसके बाद मैं अजमेर आने की कोशिश करूँगी, अलविदा। ये भेजा है किसने? आतिफ ने अपना पत्र 1/5/6 को लिखा। क्या तुम पत्र की तारीख पढ़ना चाहते हो? 1/5/6 का मतलब हुआ 1 मई 2006। ये जो बीच में 5 दे रखा है बच्चों, ये है महीना। कौन सा महीना? मई का महीना, ठीक है। अब देखो आगे, अब नीचे लिखी तिथियां बताओ। 5/6/6, इसका क्या मतलब हुआ? 5 मई 2006, मतलब जो ये बीच में 5 दे रखा है, ये है महीना, ठीक है। ये है महीने का नाम, मतलब मई। फिर है नीचे 20/5/6, तो ये भी आप ऐसे ही लिखेंगे। 20 तारीख है, कौन से महीने की है? मई की है। और साल कौन सा है? 2006, ठीक। फिर है 7/6, तो 7 का मतलब 7 तारीख है, 6 का मतलब है क्या? जून। मई के बाद कौन सा महीना आता है? जून जो होता है वो छठा महीना होता है। और 2006, ठीक। अगला देखो, अगला क्या है? 1/1/7, तो 1 का मतलब है 1 तारीख है, और दूसरे वाले 1 का मतलब है जनवरी, 1 जनवरी 2007, ठीक है। अब देखो नीचे लिखी तिथियों को अंकों में लिखो। तो 1 जून 2006, 1 तो ये हो गया, जून कौन सा महीना है? छठा। और ये हो गया आपका 2006, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे 1/6/6, ठीक। अगला देखो 30 मई, मई का कौन सा महीना होता है बताओ जरा? जनवरी पहला महीना, फरवरी दूसरा महीना, मार्च तीसरा महीना, अप्रैल चौथा महीना, मई कौन सा हो गया? 5वां महीना। यहाँ लिखेंगे 5 और फिर ये 0/6, ठीक। इसी तरीके से अगला देखो, 10 अगस्त 2007, तो 10 तो होगी तारीख, अगस्त का कौन सा महीना होता है? इसी तरीके से जब आप गिनेंगे तो ये आएगा 8वां महीना अगस्त का, सॉरी, हाँ 8वां महीना आएगा, और ये आएगा 2007, मतलब यहाँ पर लिखेंगे केवल 7। दोबारा से लिखते हैं, 10 अगस्त 7, ठीक। अगला देखो, पत्र को अजमेर से नागपुर पहुँचने में कितना समय लगा था? तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पत्र जो था वो अजमेर से कब भेजा गया था, कब लिखा था शबाना को, ये लिखा था 1/5/6 को। 5 का मतलब क्या है बच्चों? 5 मतलब मई, 1 मई को लिखा गया था। और कौन से दिन पहुँचा था ये? नागपुर पहुँचा था 7/5 यानी 7 मई को, ठीक। तो कितने दिन लग गए इसको? 6 दिन लग गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पत्र को अजमेर से नागपुर पहुँचने में कितना समय लगा? 6 दिन, ठीक। अगला है, आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन रहेगा? तो देखो यहाँ पर आतिफ ने लेटर में यानी पत्र में लिखा है कि वो कितने दिन नानी के यहाँ रहेगा, कितने, कौन सी तारीख को जाएगा। तो मैं 5/5/6 को नानी के घर जा रहा हूँ और 20/5/6 को वापस आ जाऊँगा। तो 5/5 मतलब 5 मई को जा रहा है, ठीक है, और वापस कब आ जाएगा? 20 मई को, ठीक। तो 20 मई में से, यानी कि 20 में से 5 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे? 15 बच जाएंगे। तो मतलब 15 दिन वहाँ पर रुकेगा। कहाँ रुकेगा? अपनी नानी के घर, क्योंकि वो 5 तारीख को जा रहा है और 20 तारीख को वापस आ जाएगा। तो कितने दिन रुकेगा? 15 दिन रुकेगा वहाँ पर नानी के यहाँ। नीचे लिखी तालिका पूरी करो। अब यहाँ पर है शबाना की छुट्टियाँ। जो शबाना की छुट्टियाँ हैं वो आपको लिखनी है, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक है और दिनों की संख्या, ठीक। तो शबाना की जो छुट्टियाँ पड़ी थी वो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ बताया है शबाना ने कि 1 जून, ये देखो ये कह रही है यहाँ पर 1 जून 2006 को बंद होगा, ठीक है। मतलब 1 जून, छठा महीना कौन सा होता है? जून का, ठीक है। 10 अगस्त को खुलेगा, ठीक है। तो जून के बाद कौन सा महीना आता है? जुलाई, मतलब 7, ठीक है। तो 1 जुलाई 2006 को भी नहीं खुलेगा,
ये कब खुलेगा? 10 अगस्त को खुलेगा। ठीक, तो 1 जून से 30 जून तक बंद रहेगा, तो 30 दिन ये हो गए, 31 दिन ये हो गए और 9 दिन ये हो गए। तो इन सबको जोड़ लो। अब जून के महीने में कितने? 30 दिन, और जुलाई के में 31 दिन, और 10 अगस्त को खुलेगा तो मतलब 9 दिन ये। तो 9 और 1 10 का 0, वहाँ से ले 3 और 3 6 और 1 7, मतलब 70 दिन की छुट्टियाँ किसकी पड़ेंगी? शबाना की पड़ेंगी। और 1 जून से बंद होगा, और कब खुलेगा? ये खुलेगा 7 अगस्त को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 जून को, यहाँ पर जून लिख देंगे, और 10 अगस्त तक। ठीक है, ये आप पूरी तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे, जगह कम है इसलिए मेरे से नहीं लिखा गया। और यहाँ पर छुट्टियाँ कितने दिन की हैं? 70 दिन की, 70 दिन की छुट्टियाँ हैं। और आतिफ की छुट्टियाँ देखेंगे हम कब से कब तक की हैं। तो आतिफ कह रहा है कि आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। आज से मतलब उसने पत्र लिखा है 1/5 को, मतलब 1 मई से। पांचवा महीना कौन सा होता है? मई का होता है। तो 1 मई से उसकी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, और 30/6 को स्कूल खुलेंगे उसके। 30/6 का मतलब क्या हो गया? छठा महीना कौन सा हो गया? जून का, और 30 का। ठीक है, तो मतलब 1 मई से लेके 30 मई तक उसकी छुट्टियाँ हो गई, 31 ये, और 30/6 को स्कूल खुलेंगे, और 29 ये। तो जोड़ लो, 9 और 1 10 का 0, वहाँ से ले 3 2 5 और 1 6, 60 दिन की छुट्टियाँ पड़ी हैं किसकी? आतिफ की। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम दे रखा होगा, तो आतिफ की छुट्टियाँ पड़ी हैं 60 दिन की, और 1 मई से कब तक पड़ी हैं ये? 30 जून को उसका स्कूल खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ इस तरीके से। अब है अगला, किसकी छुट्टियाँ ज़्यादा हैं, शबाना की या आतिफ की? तो भाई शबाना की छुट्टियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर में लिखेंगे शबाना, क्योंकि उसकी कितनी छुट्टियाँ हैं? उसकी हैं 70 छुट्टियाँ, 70 दिनों की। अब यहाँ पर दे रखा है तुम्हारे स्कूल में और कौन कौन सी छुट्टियाँ होती हैं, उन सबकी तिथियों के बारे में लिखो। तो गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं वो हर स्कूल की अलग अलग पड़ती हैं। ठीक है, किसी की 1 मई से पड़ेंगी, किसी की 15 मई से पड़ेंगी। तो आप अपनी अध्यापिका से पूछेंगे, या बच्चों से, या पिछले साल जो छुट्टियां पड़ी हों उनके हिसाब से यहां पर भरेंगे कि कौन से दिन से लेकर कौन से दिन तक हैं, और यहां पर दिनों की संख्या लिखेंगे। शरतकालीन छुट्टियां कितनी पड़ी, सर्दी की छुट्टियां, और वार्षिक परीक्षा की छुट्टियां। ठीक है, मतलब जो पक्के पेपर होते हैं ना, एनुअल एग्ज़ाम, मतलब वार्षिक जो एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद जो छुट्टियाँ पड़ती हैं जब आप नई क्लास में जाते हैं उससे पहले, तो वो छुट्टियाँ आप यहाँ पर लिखेंगे कितने दिन की पड़ती हैं, और यहाँ पर लिखेंगे पूरे दिन के कितने दिनों की हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा जो है पेज नंबर 47 तक। तो इसी अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम आगे का जो इसका पेज नंबर है वहाँ से। तो चलिए आज क्या करते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।